इस चीज़ से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मतलब दूर दराज एरिया में रहने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को तो इतना पता नहीं कि उज्ज्वला योजना क्या है, जहाज ये खेती बाड़ी कैसे की जाती है। इस पूरी स्कीमों को ये हमारे लोगों के सामने लॉन्च करेंगे और हमारे लोग जरूर समझे सोचेंगे और उसी के फायदा मतलब के आगे होकर फायदा लेंगे ये लोग। कितने इलाके में काम हुए सर, जो रूरल डेवलपमेंट के जैसे ये ऑफिसर लोग आए हुए? बहुत बहुत अच्छे काम हुए सर, हर किस्म का काम हुए, ट्राइबल के काम हुए, जैसे हर एक चीज, जैसे ये पीएमएवाई स्कीम है इसमें काम हुए, आवास प्लस में काम हुए सर, हमारे नरेगा में भी काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। एज ए महकमा आरडीडी महकमे की तरफ से हमें हदायत मिली है, उसके मुताबिक 3 दिन हमने पहले आके गुजारे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे के कहा कि ये एक एज ए ट्रैवल यात्रा की वैन आ रही है, मोदी जी साहब की स्कीमें जो चलाई जा रही हैं उनको रूट्स लेवल पर उनको कामयाब किया जाए और उन रूट्स लेवल पर जो स्कीमें हो रही हैं उनसे क्या लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, वो लोग अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि जनाब जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के मोदी साहब हैं, उन स्कीमों से किसान हो, जैसे आवास प्लस, पीएमएवाई, एसबीएम, निर्गा स्कीम, उसके बाद सर हमारे उज्ज्वला स्कीम, ऐसी स्कीमों से बाकी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए हुए हैं।